मैं डेली घर से वाकड़ जाता था और वाकड़ से रिटर्न आता था। जब भी मैं वाकड़ की तरफ जाता था तो मुझे सबसे पहला चैलेंज मेरा वाकड़ ब्रिज लगता था। मैं उसे काफ़ी नोटिस करता था कि एक दिन मुझे इसे क्रॉस करना है। काफ़ी प्रैक्टिस मैंने की उसके लिए और फिर एक दिन मैंने डिसाइड किया कि आज मैं कैसे भी इस वाकड़ ब्रिज को क्रॉस करूँगा। और मैंने फर्स्ट अटैम्प में ही वाकड़ ब्रिज क्रॉस कर दिया और मुझे बहुत खुशी हुई। अब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं ऑफिस साइकिल से पहुंच पाऊंगा। ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते मुझे 3-4 मंथ्स लगे ऑफिस पहुंचने के लिए। आई एम देवेंद्र यादव, मैं नागपुर से बिलोंग करता हूँ। जब मैं 9th में था मैंने साइकिल चलाना सीखा और साइकिल चलाना मेरे लिए एक ड्रीम था। मैं अक्सर सिस्टर के पीछे बैठ के जाता था ट्यूशन में या स्कूल में। उस टाइम मैं सोचता रहता था कि कोई ऐसा दिन आएगा जब मैं मेरी सिस्टर को पीछे बिठाऊंगा। मुझे अभी भी याद है, मैं रात को 2 बजे तक प्रैक्टिस किया था और मेरे सिस्टर और ब्रदर और मेरे कजिन्स लोगों ने बहुत हेल्प करी थी। मैं सारी सारी रात भर वो मेरे साथ साइकिल की प्रैक्टिस करवाते थे मुझे। 2016 में एक बार मैं ऑफिस से रिटर्न आ रहा था और मैंने देखा कि एक ओल्ड जेंटलमैन साइकिल से आ रहा है। तो मेरे अंदर एकदम से थॉट आया कि अगर वो चला सकता है तो मैं क्यों नहीं चला सकता हूँ। बहुत सारे बेनिफिट है साइकिल चलाने के, फिजिकल बेनिफिट है प्लस एनवायरनमेंट के लिए भी है। नो पोल्यूशन, नो फ्यूल एक्सपेंसेस। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं अब साइकिल चलाऊँगा। साइकिल एक ऐसा स्पोर्ट्स भी है कि जिसमें आप सिंगल भी जा सकते हो। कई बार तो मैं ऐसे बोर होता हूँ तो मैं साइकिल से बात करता हूँ कि चलो घूम के आते हैं, और मैं बहुत बार राइड पे निकल जाता हूँ। करीबन हाफ ऑफ द पुणे मैं साइकिल से देखा है मैंने। सब ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करते हैं बट कोई भी ये नहीं सोचता है कि इसे कैसे दूर किया जाए। वेरी लेस पीपल आर कॉन्सनट्रेटिंग एंड वर्किंग ऑन दिस। हाँ, थोड़े बहुत चैलेंज आते हैं साइकिल चलाने में, जैसे ट्रैफिक में काफ़ी दिक्कत होती है। इट्स ओके, कल एटलीस्ट वी आर डूइंग समथिंग फॉर आवर प्लैनेट, सो ऑल दीज आर स्मॉल थिंग्स इन फ्रंट ऑफ दैट। साइकिल चलाने में मुझे बहुत टाइम हो गया था तो मैंने सिक्योरिटी गार्ड की साइकिल लिया और मैं ट्राई किया। मुझे याद है अभी भी कि 200 मीटर ही मैंने चलाया था एंड आई गॉट अ कॉन्फिडेंस कि मैं अभी भी चला सकता हूँ। 2017 में मैंने नई साइकिल परचेस कर ली थी और मैं बहुत एक्साइटेड था उस मोमेंट पे। मैं अर्ली मॉर्निंग उठ के साइकिल की प्रैक्टिस करने लगा। पहले 5 किलोमीटर देन 10 किलोमीटर तक चलाने लग गया था बट एट द सेम मोमेंट्स मुझे नी पेन चालू हो गया था एंड मैं फिजियोथेरेपी से जाके कंसल्ट किया एंड मैंने साथ में ये भी बताया कि मुझे ऑफिस साइकिल चला के जाना है, दैट इज़ अराउंड 13 किलोमीटर फ्रॉम माई होम। एकदम से उन्होंने बोला कि कल से साइकिल नहीं चलाऊँगे। ये सुनकर मैं डिसअपॉइंट हो गया क्योंकि साइकिल ही चलाना मेरा मेन एम था। उन्होंने सिर्फ 5 किलोमीटर साइकिल चलाना मुझे अलाउ कर दिया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा एटलीस्ट कि अब अलाउ कर दिया है मुझे, और मेरा नी पेन भी काफ़ी कम हो गया था इन बिटवीन। जब मैंने साइकिल परचेस करने का सोचा तो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे मुझे। काफ़ी एग्जाम्पल मैंने भी देखे थे और उन्होंने भी बताया कि 1 महीना चलाते हैं और पार्किंग में खड़ी रहती है। बट मैंने इंटरनली सेट करके रखा था कि मुझे ऑफिस जाना है साइकिल से, प्लस मुझे डेली डे टू डे एक्टिविटीज़ में यूज़ करनी है साइकिल। बचपन में मेरे साथ एक इंसिडेंट हो गया था जिसकी वजह से मेरा राइट लेग का स्ट्रेंथ कम हो गई थी। एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन अभी भी स्ट्रेंथ 30-40% ही है मेरे राइट साइड में। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं।